ये मेरे हाथ में आ गया यार, दो दो बच्चे आ गए। ओए रुक 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 रुक, ओए 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 यार कहाँ जा रहे हो? ओए ओ तेरे यार, फ्लाई कितना कर रहे हो? दोस्तों टीटू की तरह हमारे पेट्स भी बहुत शरारती हैं। ये चेक करें, मैं इस तरफ से आपको दिखाता हूँ। हमारी जो रानी थी ना, जो कुड़ों पे मैंने जिसको बिठाया हुआ था, वो वाली मुर्गी इधर खड़ी हुई थी, इधर से फ्लाई किया, वो टैनी के ऊपर चली गई है। अब आज नीचे कैसे आना है? अब वो बेचारी खुद डर रही है कि मैं नीचे कैसे आऊं, क्योंकि नीचे काफी गहराई है और ऊपर तो आ नहीं सकती, और टैनी भी टेढ़ी हो चुकी है। अब सोच रही है मैं कैसे आऊं, और मैं भी इसकी कोई मदद नहीं कर सकता, जैसे ये बुरे तरीके से फंसी हुई है। आ जाओ। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। ओए कहाँ गई? ये आ गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केज की छत के ऊपर चढ़ गए थे, मैंने कहा चलो आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, जो हमारी फेवरेट रैबिट्स है, जिसको मैं इतने दिन से कवरेज कर रहा था, मैंने आपको दिखाया था नेस्ट का मटेरियल होल के अंदर लेके जा रही है। उसने कब से बेबी दिए हुए थे इसका मुझे नहीं पता था और आपको नहीं पता था, लेकिन उसको पता था उसने बेबी दिए हुए थे। नीचे उतर के बात करते हैं, हवा काफी तेज चल रही है। ये आ गया दोस्तों, मैंने रात को देखा था यहाँ पे क्यूट से बेबी बैठे हुए थे। मुझे ये देख के कंफर्म हो गया था किसी न्यू फीमेल रैबिट्स ने बेबी दिए हुए हैं, क्योंकि जिसने पहले बेबी दिए हुए थे वो काफी बड़े हो चुके थे और ये छोटे लग रहे थे, 8 से 10 दिन के लग रहे थे। मैंने इनको पकड़ने की ट्राई की, लेकिन वो होल के अंदर भाग गए। मैंने कहा चलो सुबह दोस्तों को भी दिखाएंगे और खुद भी देखेंगे। अब मैं पक्का उनको बाहर निकालने वाला हूँ किसी न किसी तरीके से। यार इधर टीटू हमारे पेट्स को छेड़ी जा रहा है, मुर्गियों को बंद कर दिए, बाहर आ जाओ यार। ना छेड़ टीटू, ये हमारे पैट्स को ऐसे छेड़ता रहेगा, हम इसको कोई काम लगाते हैं। इन्होंने बजरी पैट्स का पेयर दिया है, इसको कहता हूँ वो अपने घर से लेके आए, ये थोड़ा सा टाइम आप पे लगा देगा और मैं भी जल्दी जल्दी बेबी चेक कर लूंगा। ये हमारे पैट्स को नहीं छेड़ेगा, देखिए कितने पैट्स इसने केज में बंद किए हुए थे। इधर 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 टीटू, तुम लोगों ने क्या लिया है? मिट्टू तोते। जाओ लेके आओ अपने घर से। ये बजरी पैट्स को मिट्टू तोते कह रहे हैं, अभी ये लेने के लिए जा रहा है, जाओ जल्दी लेके आओ। और हम यहाँ पे ना रैबिट्स के बेबी चेक करते हैं। ये सारे के सारे रैबिट्स इधर आए हैं, इन्होंने होल के अंदर भाग जाना है। यार ये होल के अंदर चले गया ना, फिर हमारा कैमरा भी नहीं जाएगा अंदर और हाथ भी नहीं मेरा जाएगा, और हमने बेबी को बाहर निकालना है। पीछे ना एक मिनट, ये क्या चीज है? ओए पिजन अंदर गया हुआ है, इधर बाहर आओ, इधर बाहर आओ। मुझे डरा ही दिया मैंने, क्या पता ये क्या चीज अंदर गई हुई है। ये दो दो पिजन हमारे इधर फिर रहे हैं, इनका पेयर बना हुआ है, बाहर निकलो यार इस होल के अंदर। अब हम कैमरे को भेजते हैं और उनको बाहर निकालते हैं, या उनको अंदर से ही देख लेते हैं। दोस्तों मैंने कैमरे को होल के अंदर भेजा था, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बड़े बड़े बेबी नजर आ रहे थे, मैंने तो आपको छोटे दिखाने थे ना, मैं भी तंग आ गया था। हर 5-6 दिन बाद हम कैमरे को भेजते थे, लेकिन मेरा हाथ आगे जाता नहीं था, फिर हमें नजर नहीं आते थे। लेकिन अब मैंने थोड़ी सी होल की खुदाई कर दी है, ये चेक करें। अब इसमें से क्यूट से बेबी निकले हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर मैंने ईंट लगाई हुई है ताकि उस तरफ ना जाएं, लेकिन फिर भी चले गए यार। दो दो बच्चे आ गए। ओए रुक 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 रुक, ओए 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 यार कहाँ जा रहे हो? ओ एक तो फिर से भाग गया और एक मेरे हाथ में आ गया। ओ यार टीटू भी आ गया, ये बजरी पैड्स ले आया, इसको इधर एक मिनट छोड़ते हैं, ये चेक करें टीटू की, ये वाले बजरी पैड्स हैं, एक ही कलर में लिए हैं। टीटू कहाँ चला गया? एक मिनट टीटू को देख रहे हैं, ये बजरी पैड्स रख के फौरन। ओए यार मुझे लग रहा है इसने भी बेबी देख ली है और उनको बाहर निकाल रहा है। इधर आया, छोटा छोटा बेबी है, मैं पकड़ रहा हूँ, इधर मैं तुझे दिखाता हूँ, मैंने अभी बाहर निकाला है, बाहर निकाला। दोस्तों मैंने टीटू को भेजा, मैंने कहा थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन ये भागा भाग गया, फौरन से आ भी गया। अभी मैं रैबिट्स के बेबी चेक कर रहा था, वो छोटा बेबी कहाँ चला गया? ओ तेरी यार, इसको मैंने बाहर छोड़ा है, मुझे लग रहा है फिर से अंदर आ गया। यार टीटू बेबी को ही देखी जा रहा है और उनको पकड़ने की ट्राई कर रहा है। ओए टीटू इधर आ जा, मेरे हाथ में आइए, देख ले यार टीटू की हालत चेक करें, इसकी क्या हुई है, इसके मुंह पे मिट्टी लग गई है, चेहरे पे लग गई है, पीछे बाहर निकल चल। टीटू की इन हरकतों का मुझे पता था, इसलिए मैंने इसको घर भेजा था, मैंने कहा जाके बजरी पैड्स लेके आओ, लेकिन फौरन से भाग के आ गया है। दोस्तों जो न्यू बेबी आए ना, वो एक अभी हमें मिला है, बाकी होल के अंदर है, हमें बहुत तंग कर रहे हैं, हाथ में नहीं आ रहे। ये भी काफी शरारती है, कब से है? टीटू छोड़ दे, चल बाहर निकल, चल बस ओए छोड़ दे, हमने चेक कर लिया, चलो चले बस। 203 बेबी दिए हुए इस तरह के हैं, बाकी दो छोटे छोटे वो भी होल के अंदर हैं, हमारे से बाहर ही निकल रहे हैं। दोस्तों इस होल के ऊपर हम ईंट दे देते हैं, जो हमने चेक किया था ना, इससे ऐसे बंद कर देते हैं। ओए यार टीटू ये तूने क्या किया है? दोस्तों टीटू ने इसका केज का दरवाजा खोल दिया और हमारी डब का भी नहीं पता कहाँ गई है, और बटेरा एक ये फिर रहा है। इधर आवे बाहर, कहाँ पे डब ले क्या उसको? एक डब हमारी ये बैठी हुई है, इनके पर कट किए हुए, ज्यादा फ्लाई नहीं कर रही, इधर तो आओ। ओए टीटू ना पकड़, मैं पकड़ लेता हूँ खुद ही यार, बड़े जालिम तरीके से ये पकड़ता है, तंग कर रहा है यार टीटू। एक हमारा बटेरा ये रह गया, फ्लाई नहीं करना इधर, ये हमारा न्यू वाला था। ओ तेरी खैर यार, वो सामने चला गया। ये हम जो न्यू लेके आए थे ना तकरीबन 4-5 दिन पहले, इसके हमने पर कट नहीं किए, ये फ्लाई करता है। टीटू नीचे चला गया, ये बैठा हुआ, ये बैठा हुआ है। ओ तेरी यार, फ्लाई कितना कर रहा है, वो चला गया इस तरफ झाड़ियों में आ गया, यहाँ पे कहीं छुप गया, काफी तंग कर रहा है टीटू की वजह से।
काफी तंग कर रहा है। टीटू की वजह से हुआ सारा कुछ, इसने केरी का दरवाजा खोला है। ये चेक करे कितने आराम से बैठा हुआ है यार, ये रहा इधर आ गया, ये हमने इसको पकड़ लिया। चल टीटू बाहर निकल। दोस्तों ये बटेरे छुपते बड़ी जल्दी हैं और नजर भी जल्दी से नहीं आते, झाड़ियों में छुप जाते हैं, पता नहीं चलता बंदे का। अब हम तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हम इसको ढूंढ रहे थे, मैंने वीडियो स्किप कर दी थी, मैंने कहा पहले इसको ढूंढने की, मुझे टेंशन हो रही थी क्योंकि 4-5 दिन पहले ही हमने इसका पेड़ बनाया था और फिर ये फ्लाई कर रहा था। शुक्र है मिल गया। चलो जी दोस्तों ये हमारा क्यूट सा उल्लूरा जो हमने कल पकड़ा था, इसने अपना मुंह उस तरफ किया हुआ है, मतलब इसको दिन में नजर नहीं आता ना, मुझे लग रहा है ये सो रहा है बेचारा। और रात को हमने इसको खाना दिया था, इसने थोड़ा सा खाया और बाकी सारा जाया कर दिया यार। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, इसको हैंड टेम करने की ट्राई करते हैं। और टीटू ना छेड़ यार, टीटू ने इसको उठा भी दिया है, तो हम इसको रात को तो हैंड टेम नहीं कर सकते, दिन को ही करना पड़ेगा। अब हम इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। ये इसको किसने खोला है दोस्तों? मैंने इसको केज में बंद किया हुआ था और नोबिता और सुनियो को मैंने खोल दिया था बाहर, ये तूने खोला है सन? दोस्तों पहले मुझे टीटू इतना ज्यादा तंग कर रहा था और ऊपर से उसका भाई आ गया, ये स्कूल से सीधा हमारे पास ही आ गया है, इसने ऊपर को खोल दिया था। ओए टीटू पीछे हो जा, उसका भी केज का दरवाजा खुला है यार। ये शरीफ सा है, ये फ्लाई नहीं करता, इसका डर नहीं है ज्यादा। कल भी इसके पंजे मुझे लगे थे, अभी तक दर्द हो रहा है, पंजों से पकड़ता हूँ मैं इसके। ये पकड़ लिया दोस्तों, पहले इसके पाँव में मैं रस्सी डालता हूँ क्योंकि शिकरे की तरह मैं इसके साथ गलती नहीं करूंगा। शिकरे की मैंने रस्सी नहीं डाली थी, ऐसी हैंड टेम करने लग गया और वो फ्लाई कर गया, बड़ा ही अफसोस हुआ है। अभी भी मैं मिस कर रहा हूँ शिकरे को, लेकिन हम इसके साथ ऐसा नहीं करेंगे। ये मेरे पास छोटी सी रस्सी है, ये हम इसके पाँव के साथ बांधते हैं और फिर इसको हैंड टेम करते हैं। ओए टीटू तेरे हाथ में चूजे है, ओ तेरी, एक मिनट इधर रुक यार। ओए ओए फ्लाई नहीं करना यार इसके साथ, मैंने अभी रस्सी नहीं बांधी। तूने मारा इसको? यार इतना बेचारा शरीफ से है, मेरा दिल नहीं कर रहा इसको रस्सी बांधने को, फ्लाई तो करता नहीं है ये। इधर आओ यार, इसको नींद आ रही है, हम इसको ना केज में छोड़ देते हैं और इसको ना कमरे में कहीं बंद कर देते हैं जहाँ पे अंधेरा होगा, ताकि ये आराम से वहाँ पे रह सके। चलो जी। ओए ओए ये कहाँ ले आया है यार? ये एक्सपायर है हमारा कलरफुल चिक्स है, इसको हम दफना देते हैं। टीटू ने इसके आगे डाल दिया था, ये नहीं खाता, ये शाम को खाता होता। ये पकड़, उस बेचारे को नजर ही नहीं आ रहा वो क्या खाएगा, इसको हम अंधेरे में रख देते हैं ताकि ये आराम से अपनी नींद पूरी कर ले। इसमें हमारे सारे के सारे टर्टर हैं, सबको बाहर निकाल देते हैं। बड़े वाला को अभी हमने रखा हुआ है, ये रहा बड़े वाला सबसे, ये देखें देखा टीटू पहले भी तो तुमने देखा हुआ है ना, इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। हमने सारे के सारे टर्टर को छोड़ दिया है और बड़े वाले का काम चेक करें, पिजन के केज में जा रहा है, इसका सर ऐसे लग रहा है जैसे सांप का सर हो। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।